हाई गुड इवनिंग क्लास हाई गुड इवनिंग आई होप आप सब लोग ठीक हो गए एंड आपका ओ टू आई एस अकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है एक बार कन्फर्म कर दीजिए कि मैं अच्छे से ऑडिबल हूँ या नहीं हूँ तो मुझे भी थोड़ा आसान हो जाएगा <coughs> तो ये जो है सारथी सीरीज़ का एक लेक्चर है जिसमें हम लोग करंट अफेयर कवर कर रहे हैं नायब तहसीलदार का जो प्रेपरेशन का प्रोग्राम चल रहा है हमारे चैनल पे तो उसमें करंट अफेयर का जो ये सेशन है जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग कंटिन्यूसली यहाँ पे आ रहे हैं तो उनके लिए तो आपको मालूम ही है कि किस तरीके से हम लोग प्रोसीड करते हैं इस सेशन का आज दिसंबर के करंट अफेयर का ये लास्ट लेक्चर है हमने पिछले चार लेक्चर्स में दिसंबर के डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करी इस लेक्चर में मैं मिसलेनियस और कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स को बता के सम अप करूंगा और ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट आप प्रिंट करवा के भी पढ़ सकते हैं और या आप डाउनलोड करके रखना चाहते हैं तो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा फ्री का एक कोर्स है वहाँ एक रुपये का उसमें सारे हमारे कोर्स की जो सब्जेक्ट चल रहे हैं मॉर्निंग टाइम पे और जो बाकी चीजें हैं उनकी पीडीएफ्स वहां पे मिल जाएंगी तो अकॉर्डिंगली आप लोग प्रोसीड कर लीजिएगा ठीक तो हम लोग आगे चलते हैं मतलब आगे तो क्या चलेंगे हम लोग शुरू करते हैं बेसिक टॉपिक मैंने आपको प्रीवियसली अगर बात करी जाए जैसे नेशनल न्यूज था ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं इन माय uh, पिछले चार सेशंस हमने ये बा, सारी बातें नेशनल न्यूज थी इंटरनेशनल अफेयर्स थे या साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इंपॉर्टेंट कमेटीज इन न्यूज थी जो भी अग्रीमेंट हमने साइन करे ये सारा कुछ ये डॉक्यूमेंट भी आपके पास है और ये लेक्चर भी मेरे यूट्यूब पे पड़े जिन्होंने नहीं देखे वो देख सकते हैं इनमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मैंने बताई है है ना इकोनॉमिक्स की जो न्यूज थी समिट्स हैं डिफेंस की डिफेंस uh, न्यूज थी तो इस तरीके की चीजें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड तो इस, इसे मैं बार बार तो रिपीट नहीं करूंगा हम नई चीज पढ़ते हैं जैसे स्पोर्ट्स की न्यूज मैंने पिछली क्लास में इसके बाद हम लोग मिसलेनियस कवर कर रहे थे तो जिनका ना टॉपिक रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो मुझे पूछिए जिनके टॉपिक रिलेटेड सवाल नहीं है वो मैं एंड पे लेता हूं कि किसकी तैयारी करवाते हैं कैसे करवाते हैं वो ना लास्ट में पूछेंगे जरा जो लोग ऑलरेडी पढ़ने यहां आए हैं उन पे हम लोग फोकस करें तो ठीक रहेगा है ना आपके जो बेसिक से सवाल है ना नॉन प्रिपरेशन से लॉन्ग रन स्ट्रेटेजी के जो सवाल हैं वो आप मुझे एंड में पूछ लीजिएगा या ऊपर नंबर जो फ्लैश होगा उस पर कॉल कर लीजिएगा प्रदीप कुमार जी करंट अफेयर सारा ही आएगा जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं <coughs> सवाल छोड़ो एक बार मेरी सुनो एंड पे आपकी भी सुनता हूं हर एक चीज हम डिस्कस करेंगे तो मेरी क्लास में पिछली क्लास में जो चल रहा था दैट वॉज लाइक कि हम लोग पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे जी हम लोग मिसलेनियस न्यूज पढ़ रहे थे हमने हेल्थ इंडेक्सेस की बात करी हमने पीटा के पर्सन ऑफ द ईयर बात करी ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं अब आगे हमने शुरू करना दिस वॉज अ लास्ट स्लाइड जैसे मैंने स्टार्ट किया था आप चैट को विराम देते हैं थोड़ा सा टाइम पढ़ लेते हैं उसके बाद मैं साथ साथ आपके डाउट्स लेता चलूंगा तो यहां तक मैंने आपको पढ़ाया ये आज मेरा लास्ट लेक्चर है दिसंबर 2021 का तो टोटल अगर मैं यहां पे पावर पॉइंट स्लाइड्स में मैं पढ़ाता हूं पीपीटीज देखता हूं तो लगभग 130 पीपीटीज में पूरा दिसंबर कवर हो गया जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट मुझे लगे करंट अफेयर से रिलेटेड आपके अगर मैं इसको ए शीट्स के कंपेटेबिलिटी में देखता हूं तो एक स्लाइड्स लगभग एक एक ए4 शीट पे तीन या चार स्लाइड्स कवर हो जाती हैं अगर तीन भी होती हैं तो लाइक 40 पेजेस में 40 50 पेजेस में एक महीने का कॉम्पैक्ट मटेरियल आपको मिल गया जिसको आप अपने अकॉर्डिंगली प्रिंट निकलवा के रिवाइज भी कर सकते हैं ठीक <coughs> तो आगे चलते हैं जी आज आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के दैट इज अगेन मिसलेनियस चीजें जो दिसंबर में न्यूज में रही थी लेकिन पेपर में पूछी जा सकती हैं जैसे कि वाराणसी इंडिया का पहला ऐसा शहर बन चुका है जहां पर रोप वे सर्विस को एज अ मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है उधर कुछ लोकल कैंट रेलवे स्टेशन और चर्च स्क्वायर के बीच ये इस तरीके का मोड ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काम करेगा ये स्टेशन के नाम नहीं याद करने जस्ट वाराणसी और फर्स्ट रोप स्टार्ट करने वाली इंडियन सिटी बन चुकी है वैसे नहीं पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए तो ट्रैफिक कंजेशन ज़्यादा हो रहा था उन एरियाज में तो ये एक तरीका वहाँ पे इस्तेमाल करा गया दूसरा है जी केरला टूरिज्म ने एक स्ट्रीट प्रोजेक्ट शुरू करा है लगभग लगभग ये इको टूरिज्म के साथ जुड़ता हुआ क्लैश करती हुई स्कीम्स है जिस इट स्टैंड फॉर सस्टेनेबल टेंजिबल रिस्पॉन्सिबल एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंशियल एथनिक टूरिज्म हब्स है ना कल्चरल कल्चरल एंड एंड टूरिज्म टूरिज्म इको को प्रमोट करने के लिए केरला की सरकार ने ऐसा कोई इनिशिएटिव स्टार्ट करा है एंड दूसरा है नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत बड़ा एक्स्ट्रा वेगाजा फेस्टिवल जो कि दिसंबर में न्यूज में था दैट वाज कॉल्ड हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड का काफ़ी uh, बड़ा कल्चरल फेस्ट है नॉर्थ ईस्ट में वन ऑफ द बिगेस्ट कल्चरल फैक्ट्स जो होते हैं एक साल में फेस्टिवल ऑफ़ फेस्टिवल्स भी इसको बोला जाता है एज फार एज नॉर्थ ईस्ट इज कंसर्न तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे कल्चरल फेस्ट होते हैं जो जो कई बार पेपर में आ जाते हैं जैसे मोदी जी भी हॉर्नबिल फेस्टिवल पे ही हाफ बिन देयर तो इस तरीके की सिंग वाले टोपी पहन के वहाँ गए थे अब uh, ये उनका कल्चरल अटायर है हमारे लिए इट मे बी लाइक आई मे साउंड इनसेंसिटिव इन दैट आई एम सॉरी फॉर दैट लेकिन ये उनका कल्चरल अटायर है और बहुत अच्छा है दिखने में उनके लिए देन uh, हम कुछ और इम्पॉर्टेंट uh, जो फेस्टिवल्स हैं नॉर्थ ईस्ट के हालांकि वो दिसंबर में न्यूज़ में नहीं थे लेकिन अगर क्वेश्चन मैचिंग में आता है तो इस तरीके से आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं जैसे दो तीन फेयर अरुणाचल प्रदेश के बींग बड़ा स्टेट वहाँ पे मल्चरल मल्टीपल ट्राइब्स के फेस्ट होते हैं जस्ट लाइक जीरो फेस्टिवल है मोपिन फेस्टिवल है टोग्या फेस्टिवल है तो ये अरुणाचल प्रदेश के कुछ फेस्टिवल्स हैं जस्ट लाइक वांगला फेस्टिवल है वो मेघालय का है नोंग डांस फेस्टिवल ये भी मेघालय का है और अंबुबाची मेला असम का है मैंने जानबूझ के जैसे बिहू वगैरह कुछ ऑलरेडी पॉपुलर टर्म्स हैं वो यहाँ नहीं इंक्लूड करे आपको वो पता ही होगा ये चीजें हैं जो शायद आप नहीं ध्यान में रखते तो इनको एक बार जस्ट गो थ्रू कर लीजिएगा अगर मैचिंग क्वेश्चन आता है तो इनमें से कोई ना कोई एक नाम आपको स्ट्राइक कर जाएगा ठीक अपार्ट फ्रॉम दैट हिमाचल प्रदेश पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया रिच ग्राउंड में एक फंक्शन था उसमें जो गवर्नर ऑफ स्टेट है उन्होंने अवार्ड दिया ये आपका एचपी करंट अफेयर के साथ भी क्लैश करता है तो किसको मिला है जी प्रेसिडेंट कलर अवार्ड हिमाचल प्रदेश पुलिस को मिला <coughs> ठीक तो नेक्स्ट है हमार अपन बजट झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने एक वेब पोर्टल लॉन्च करी है जनरल पब्लिक के लिए जो कि 2022-23 के बजट में क्या आप उम्मीदें रखते हो इस तरीके का पब्लिक इनिशिएटिव झारखंड ने स्टार्ट किया है काइंड kind ऑफ of, uh, uh, अच्छी चीज है तो उसके लिए मैंने जस्ट डाला है इंफॉर्मेशन के लिए डाला है कई बार मेंस में ऐसे एग्जांपल हम लोग साइट कर सकते हैं अगर कोई रेलिवेंट क्वेश्चन आता है अगर आप में तो है नहीं लिखने वाला मेंस बट स्टिल एक एक इनोवेटिव सा आइडिया है पब्लिक को इन्वॉल्व करना हर एक फ्रंट पे तो पूछा जा सकता है उसके बाद अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग हब्स की बात करूं एज पर आरबीआई की जो रीसेंट स्टैट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंगली गुजरात जो है वो देश की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है बिल्कुल नेहा जी पीडीएफ मिलेंगे महाराष्ट्र जो है वो सेकंड स्टेज पे आया है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए ओटू का पीडीएफ वहीं पर मिलेंगे अब मैं हर एक स्लाइड पर लिख के लाया करूंगा ये ठीक उसके बाद एक वेटलैंड न्यूज में था काजुवेली वेटलैंड तमिलनाडु में इसको अभी बर्ड सेंचुरी बना दिया गया है 1972 एक्ट के अंडर जो हम लोग प्रोटेक्टेड एरियाज बनाते हैं नेशनल पार्क्स बर्ड सेंचुरी कंजर्वेटिव रिजर्व तो उनमें से इनको बर्ड सेंचुरी का स्टेटस मिला है तो इसलिए ये न्यूज में था दूसरा ये जो वेटलैंड है वेटलैंड बेस बेसिकली टेक्निकली होता क्या है ये आप मॉर्निंग की ज्योग्राफी क्लास में बेसिक्स पढ़ ही रहे हो होन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी वहां पे आप पढ़ोगे की सेचुरेटेड वाटर का लैंडस्केप है टेक्निकल डेफिनेशन भी इसकी होती है सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूं इंडिया की नहीं साउथ इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है आफ्टर पुलिकट लेक है ना ये दो मेजर इंपॉर्टेंट पुलिकट एंड खजुवेली वेटलैंड ये इंपॉर्टेंट ब्रैकिश वाटर लेक्स है साउथ इंडिया की <coughs> अब ब्रैकिश वाटर क्या होता है जी एक तो सेलाइन वाटर होता है एक फ्रेश वाटर होता है ब्रैकिश वाटर क्या होता है चलिए आप बताएंगे मैं थोड़ी ना सब कुछ बताऊंगा बता देना चैट में ठीक है तो नेक्स्ट है हैदरपुर वेटलैंड हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश में है यह भी रिसेंटली न्यूज में रहा है क्यों रहा क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो हमारे आ, रामसर साइट कन्वेंशन के रामसर कन्वेंशन के अंडर जो वेटलैंड आते हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूपी में है नाइन और उनमें से एक न्यूज में था दैट इज हैदरपुर वेटलैंड रामसर कन्वेंशन जो है वो 1971 में में ईरान साइन करी गई थी ईरान में इसको ओपन किया गया था किस पर्पस के लिए ये लोग काम करते हैं कि जो भी इकोलॉजिकली सेंसिटिव इकोलॉजिकली <coughs> सेंसिटिव एंड इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट उनको कैसे कंजर्व किया जाए उसके लिए ग्लोबल पार्टनरशिप है सभी कंट्रीज को वहां पे ऐड करा जाता है उन उन को मॉनिटर भी करा जाता है अगर किसी वेटलैंड का करेक्टर खराब हो रहा है कौन सा इकोलॉजिकल करेक्टर दूसरे वाला नहीं इकोलॉजिकल करेक्टर अगर खराब हो रहा है तो उसको वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड एक रजिस्टर है उसमें डाल देते हैं तो उसको फर्दर मॉनिटर किया जाता है कंट्रीज के साथ मिलके जिस कंट्री में वो लोकेशन है उसका इकोलॉजिकल करेक्टर ठीक करने के लिए या चीजें इंप्रूव करने के लिए अगेन इन्वायरमेंट इकोलॉजी में ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं तो वहां पे इनको जरूर देखिएगा हमारी बात सिर्फ हैदरपुर वेटलैंड के लिए थी तो उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश ही ऐसा स्टेट है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स है हिमाचल प्रदेश में भी तीन साइट्स है रामसर की तो वो कौन सी आप मुझे बता सकते होक्स्ट है, <coughs> है सामान्य वर्ग आयोग हिमाचल प्रदेश सरकार हालांकि बहुत टाइम से कोशिश कर रही है कि हम लोग भी एक जो अपर कास्ट लोग हैं उनके लिए ऑन द लाइंस ऑफ जैसे मध्य प्रदेश में हुआ है या बिहार में पहले हुआ था एक कमीशन एक आयोग बनाया जाए ऑन द लाइंस सिमिलर जैसे शेड्यूल कास्ट कमीशन होता है ओबीसी कमीशन होता है एटसेट्रा तो ये मध्य प्रदेश में बना है अभी चल रहा है बिहार में बना था हालांकि प्रॉपरली कुछ प्रोग्रेस कर नहीं पाया तो उनकी लाइन्स में हिमाचल में भी इन्होंने अनाउंस करा दिसंबर में कि हम ऐसा करेंगे बाकी इसकी कंप्लीट अधिसूचना जब आएगी तो उसको पढ़ लेना कैसे कैसे इसकी फंक्शनिंग होगी कौन इसका प्रधान बनेगा दिस इन दैट <coughs> नेक्स्ट है ड्रोन फेयर जो पहला ड्रोन फेयर है जैसे हम लोग जानते हैं बेसिकली अभी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फोर पॉइंट हुआ है चौथा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है इट इज लेड बाई फ्यूचर टेक्नोलॉजी लाइक ड्रोन इंटरनेट ऑफ थिंग्स वायरलेस एक लाइक ड्राइवरलेस कार्स है ना मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉक इस तरीके की टेक्नोलॉजीज लेड जो आगे वाला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है उसमें ड्रोन का भी एक अच्छा खासा स्कोप रहेगा तो हमारी सरकार भी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हो ड्रोन का यूज हो या ड्रोन की नॉर्म्स हो हर एक को लेके नई नई चीजें आती जा रही हैं। तो इसी के चलते हम लोग इसका नया इकोसिस्टम बनाने के लिए पहला देश का ड्रोन फेयर भी हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कहां हुआ है किसने करवाया तो ग्वालियर में ये हुआ है और ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स की सिविल एविएशन की है प्रदेश की सरकार है और फिकी है एक इंडस्ट्रियल एक बॉडी है तीनों ने मिलकर ये पहला ड्रोन फेयर करवाया ग्वालियर में <coughs> और भी होंगे आने वाले नेक्स्ट है एक uh, म्योस्ट हिट एरिया में झारखंड में जो माओवादियों का रेड कॉरिडोर का जो बेल्ट है झारखंड में जहां माओवादियों के द्वारा अफेक्टेड एरिया है वहां पे एक स्पोर्ट्स टैलेंट्स को नर्चर करने के लिए एक स्कीम चलाई गई है जिसका नाम सहाय रखा गया है अगेन मैं सारे स्टेट्स की सारी स्कीम्स नहीं करवाता हूं जो मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही करवाता हूँ तो हरियाणा में खेल नर्सरी स्कीम 2022-23 जो कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए है, तो इस तरीके की स्कीम्स है तमिलनाडु एक ऐसा, ऐसा स्टेट बन गया है जहां पे उन्होंने एक स्टेट एंथम स्टेट एंथम स्टार्ट किया है कि कुछ भी करने से पहले स्टेट एंथम होना चाहिए अलॉन्ग विद द नेशनल एंथम ठीक तो ऐसा कोई और स्टेट है देश में जहां पे आ, स्टेट एंथम डिफरेंट हो या स्टेट का फ्लैग डिफरेंट हो <coughs> पता है किसी को चलिए नहीं पता तो पता करिए जिसको पता है वो बता देगा चैट में नागालैंड में ना तीन नए डिस्ट्रिक्ट बने तो नाम आप आप याद करोगे इनका जैसे भी कर सकते हो तीन नए डिस्ट्रिक्ट्स नागालैंड में बने नॉर्थ ईस्ट में ये तीन गिवन है आप जरा देख लीजिएगा जरूरी नहीं है नहीं भी याद होता तो कोई बात नहीं सारे फैक्ट आप याद नहीं कर सकते बट स्टिल जस्ट हैव अ लुक कि नॉर्थ ईस्ट का कौन सा स्टेट है जहां पर नाइन क्रिएट हुए हैं दैट इज नागालैंड और ये तीन नाइन डिस्ट्रिक्स है नाम पूछ पाना रेरेस्ट ऑफ रेयर थिंग नाइनटी नाइन परसेंट में इस तरीके के फैक्ट्स नहीं आते जस्ट एक परसेंट चांस है जिनको ईजिली याद हो जाए ठीक है नहीं होते तो टेंशन मत लेना कोई बात नहीं कुछ बड़ा छूटेगा नहीं तो टी सेतु उड़ीसा में सबसे लंबा ब्रिज बना है उड़ीसा का महानदी रिवर पे बना है कटक डिस्ट्रिक्ट में जिसका नाम टी सेतु रखा गया है महानदी रिवर बहुत बार न्यूज में भी रहती है ज्योग्राफिकली भी इंपॉर्टेंट है तो जरा सा देख लेना इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स वगैरह कहां से चलती है कहां जाती है जैसे इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं ऑंग जोंग तेलिन माना हसदेव इब इस तरीके की कुछ पांच छह इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं तो इनको पढ़ के जाना गरीब काजल कुमारी जी मैं आपको ना ब्लॉक कर दूंगा चैट से अगर आप ऐसे चैट बॉम्ब करोगे तो ठीक नहीं रहेगा कुछ काम का है तो पूछ लीजिए ठीक <coughs> है तो चलिए आगे चलते हैं दूसरा है जी वर्ल्ड वर्ल्ड तानसेन फेस्टिवल वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल जस्ट अ सेकेंड जस्ट अ सेकेंड हम लोग आगे चलते हैं वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल है जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में करवाया गया मैचिंग के लिए दूसरा है ब्राह्मो एयर स्पेस की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो लखनऊ में सेटअप करी गई है हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट वेपन सिस्टम भी मैंने मिसलेनियस में ऐड कुछ हमने पहले भी डिस्कस किया था <coughs> पहले क्या था प्रलय मिसाइल जैसे डीआरडीओ ने बनाया है फर्स्ट कन्वेंशनल क्वासी बेलिस्टिक मिसाइल है प्रहार मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है जो कि हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था ठीक उसके बाद 5G टेक्नोलॉजी बार, बार 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 5G टेक्नोलॉजी रोल आउट होने की न्यूज आती है अभी आ, अमेरिका से भी इस तरीके की न्यूज आ रही है तो दिस इज समथिंग लाइक अ बेसिक एस्पेक्ट ऑफ 5G टेक्नोलॉजी नोट्स जो दूंगा उसमें से पढ़ लीजिएगा इन आ, इन आ, लेमान लैंग्वेज अगर बात करी जाए तो जैसे अब आप 4G लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन पे हम लोग चल रहे हैं है ना अभी हम लोग क्या यूज करते हैं 4G एक बेसिक टेक्नोलॉजी थी 4G को बोला जाता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन एल है ना 4G को हमने एक्सपैंड कर दिया तो क्या बोला 4G जी वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन वो एल जिसको बोलते हैं तो थोड़ा सा थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा अगर मैं जनरेशन वाइज चलता हूं तो पहले लाइक टू जी था फिर वो थ्री जी आता है फिर वो फोर जी आता है फोर जी इज़ फोर जी एल टी और फोर जी में कोई डिफरेंस नहीं है इंटरचेंजेबली टर्म्स यूज़ हो जाते हैं लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन फोर जी इज़ अ लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन इसमें जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है लेकिन एट अ गिवन सिंगल कनेक्शन पे सिर्फ डेटा ट्रांसमिट होता है वॉइस नहीं होती है सिर्फ वॉइस वॉइस जो है वो ट्रांसमिट नहीं होती जब भी आप किसी 4G LTE एलटी डिवाइस से कॉल करते हो या 4G LTE कनेक्शन से कॉल करने की कोशिश करते हो तो वो ऑटोमेटिकली 3G में स्विच हो जाता है जब दोबारा हम लोग डेटा उस, उस पे करते हैं तो फिर हम लोग फोर जी पे स्विच करते हैं आपकी डिवाइस ऑटोमेटिकली कर लेती है जो इनेबल्ड कनेक्शन नहीं है लेकिन जियो केम अपडवां फोर जी विच इज फोर जी वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन वो LTE बोलते हैं हम लोग इसको तो जो हमारा वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन होगा या है वो एडवांस 4G है राइट right? एडवांस 4G है जिस पे दोनों डेटा एंड वॉइस पैरेलली ट्रांसमिट हो सकते हैं विच इज लाइक जियो फोर और उसके बाद लगभग हर एक कंपनी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था अब 5G जो आएगा इन्हीं इंटरनेट स्पीड और बाकी चीजों को अगमेंट कर देगा एटलीस्ट एज ऑफ नाउ बाकी आप साइंस या टेक की क्लास में अच्छे से पढ़ लेना जो लोग इंटरेस्टेड हैं टेक में है ना जो स्पेशली आप लेमन लैंग्वेज में स्पीड वगैरह इंप्रूव हो जाएगी जो वेव स्पेक्ट्रम है वो चेंज हो जाएगा जो नंबर ऑफ नोड्स है नंबर ऑफ टावर्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा है ना छोटे छोटे टावर छोटे छोटे नोट आपके घरों के आसपास लगने शुरू हो जाएंगे अब है इसरो जो कि कुछ सारे प्रोजेक्ट जो इनके पिछले महीने भी न्यूज में थे और आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनको एड करके लाया हूं तो इसरो के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं पहला है शुक्रयान जो कि वीनस मिशन है फ़रवरी 2023 में हम लोग एक एक वीनस को ऑर्बिटर मिशन छोड़ने जा रहे हैं लगभग चार साल तक इस प्लानट को स्टडी करेगा दूसरा है गगनयान तो हम लोग ह्यूमन जो मैन स्पेस फ्लाइट होगी वो इस मिशन के अंडर दो में लॉन्च करने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम दैट <coughs> अपार्ट फ्रॉम दैट एल वन आदित्य सोलर तो ये हमारा पहला साइंटिफिक एक्सपेडिशन रहेगा सूर्य की तरफ सन को स्टडी करने के लिए ये भी 2022-23 में प्लान है जब भी लॉन्च करेंगे तब तो ठीक है लेकिन आ, आप मैचिंग क्वेश्चन के लिए या एज इट इज एमसीक्यूज के लिए आपको पेपर में पक्का ये चीजें आ सकती हैं। दूसरा जी चंद्रयान थ्री है जैसे चंद्रयान टू क्या था अब चंद्रयान थ्री वेरियस अपडेट्स के साथ हम लोग अगले सालों में आने वाले सालों में लॉन्च करेंगे तो एक एक दो चीजें और हैं इसरो के बारे में रुको मेरी स्लाइड आपको नीचे हुई है ठीक सो so, इसरो इसरो के दिन इसके बाद हैं कुछ नासा के मिशन uh, न्यूज में थे जैसे आई एक्सपी मिशन है आई एक्सपी एक ज्वाइंट एफर्ट है नासा और इटालियन स्पेस एजेंसी का जो इटली की स्पेस एजेंसी है इसका जो बेसिक पर्पज है किसी प्लानट वगैरह को स्टडी नहीं कर रहे स्पेसिफिकली दे आर लाइक कुछ मोस्ट मिस्टीरियस इवेंट्स जैसे सुपर सुपरनोवा रेमनेंट वहां पर मिलते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं या कुछ हाई एनर्जी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं या नहीं जानते उन सारे मिसरीज को समझने के लिए ये आईएक्सपीई जो ऑब्जर्वेटरी है ये नासा और इटालियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च करी है तो इसको जरा हमें देखना है दूसरा है जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है हालांकि ये डीआरडीओ का ही आरएनडी विंग है कुछ एक्स्ट्रा बाहर का नहीं है डीआरडीओ का ही आरएनडी लैब है एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एडीई इन्होंने एक रستم 2 अनमेंड एरियल व्हीकल बनाया ड्रोन बनाया जिसका जो मेन पर्पज है वो ऐसा एयरबॉर्न प्लेट प्लेटफॉर्म है जो हॉराइजन से दूर की चीजें देखने के लिए बियॉन्ड हॉराइजन जो चीजें उन्हें देखने के काम आएगा इसको टपस बी एच भी बोलते हैं इन ए शॉर्ट रन इसे सिर्फ डीआरडीओ ने नहीं बनाया इसने नहीं बनाया ये तो एक आर डी विंग है प्रोटोटाइप बना के दिया जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर मैन्युफैक्चर करा ठीक रस्तम टू <coughs> तो ये ये चीज आपको पता होनी चाहिए उसके बाद है स्मार्ट सिस्टम ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था एक दो चीजें हैं जो रिपीट हुई हैं। डी ने ही इसको डेवलप करा है नेवी के लिए डेवलप करा है कि हम किसी सुदूर लोकेशन से टॉर्पीडो को लॉन्च कर सकते हैं लैंड बेस्ड लैंड बेस्ड टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम है यानी कि मिसाइल असिस्टेड होगा एक मिसाइल लेके टॉर्पीडो ओशियन में ड्रॉप करेगी फर्दर वो अपने टारगेट को हिट कर सकती है जो टॉर्पीडोज हैं वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यूज होती हैं जो पानी में सबमरीन चलती हैं उनको हिट करने के लिए उसके बाद कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम जो जिसका नाम कैड्स फाइव है कैड्स फाइव इस तरीके की चीजें यानी कि ये टर्म आपको तंग कर सकती है इसको भी डीआरडीओ ने बनाया वही रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब जो एडी मैंने पिछली बार दिखाया आपको ये क्या है नाम याद करना है कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम है यानी कि ऊपर अगर हम कुछ ऊपर से बहुत बड़ा हैवी फेंकते हैं एयरक्राफ्ट से तो उसको कैसे प्रॉपरली नीचे डिलीवर किया जाएगा कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम है जो जो रिसेंटली फाइव हंड्रेड की कैपेसिटी कैरी करता है अर्लीयर हमारे पास नहीं थी उसके बाद बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोन आता है साइक्लोन का नाम जवाब था इस 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 साइक्लोन को जो नामकरण किया वो सऊदी अरेबिया ने किया जितने भी साइक्लोन आते हैं इस एरिया में एज पर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज रैंडमली सीक्वेंस वाइज वैसे कंट्रीज इनके नाम नॉमिनेट करती हैं तो इस बार वाला सऊदी अरेबिया ने किया था उसके बाद जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रधानमंत्री जी ने एन किया था कहाँ से बेसिकली ये कनेक्टिविटी है वही जो मेन मेन हमारा टेंपल है वहाँ पे काशी विश्वनाथ टेंपल जिसको सत्रह में महारानी जो अहिल्या बाई होलकर है उन्होंने काफी अच्छे से रेनोवेट करवाया था और महाराजा रंजीत सिंह ने भी 1835 में इसका जो मेन शिखर है उसको बनवाया था ये नगरा स्टाइल का नगर टेम्पल आर्किटेक्चर का नगर स्टाइल का एक टेम्पल है

इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात कही है। जैसे सा आप लोग जानते हो एशिया पैसिफिक रीजन में या इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना एक प्रोजेक्ट चलाता है जिसका नाम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है या वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है इंफ्रास्ट्रक्चर सीरीज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें वो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज सेंट्रल एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग हमारी साउथ एशियन कंट्रीज जैसे लाइक पाकिस्तान है बांग्लादेश है उन सारी कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी और लेटर ऑन स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस भी फोस करता है दुनिया के लिए तो इसको काउंटर करने के लिए ग्लोबल गेटवे प्लान जो कि यूरोपियन कमीशन लेके आ रहा है इनका कहना है कि हम उसके इक्वलेंट इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे सो so दैट जो छोटे डेवलपिंग और गरीब देश हैं उनको इकोनॉमिक डोमिनेंस किसी एक बड़ी कंट्री का नहीं होना चाहिए उन उनपे इसके लिए ये काम स्टार्ट करा गया ग्लोबल गेटवे प्लान आप लोग सिर्फ नाम याद करिएगा यूरोपियन कमीशन का है इसका मेन छोटा सा जो पर्पज है वो मैंने आपको बता दिया पर्पज हालांकि बहुत बड़ा है हमारे लिए वो छोटा सा फैक्ट है अपार्ट फ्रॉम दैट चिलाई कलान एक विंटर एक्सट्रीम विंटर पीरियड होता है हार्श सबसे हार्श कश्मीर वैली में सबसे हार्श पीरियड जो जहाँ पे बहुत गंदे वाली सर्दी होती है वो चालीस दिन का पीरियड है जिसको वो चिलई कलान कहते हैं नॉर्मली वो दिसंबर में स्टार्ट होता है वो चालीस दिन का पीरियड बहुत एक्सट्रीम सर्दी होती है देन इट इज़ फॉलोड बाय जस्ट लाइक चिल्ई खुर्द होता है लंबा बीस दिन का पीरियड शायद अब शुरू होगा स्मॉल कोल्ड और उसके बाद दस दिन लंबा जो चिलई बच्चा पीरियड की बस थोड़ी बहुत सर्दी है निकल गई चिलई कल अक्सर अक्सर uh, हर जब जब ये शुरू होता है तो इट इज़ लाइक दो तरीके की न्यूज़ आपको अखबार में मिलती हैं पहला उनकी एक डिश है जिस विच इज कॉल्ड हरीसा हरीसा बेसिकली एक मटन डिश है जो इन दिनों में खाई जाती है बॉडी को वार्म रखने का काम करती है मीट डिश है और एक ये इस तरीके का छोटी सी बकेट कैरी करते हैं जिसको कांगड़ी कहते हैं ठीक कांगड़ा में रहने वाले लोगों को भी कांगड़ी कह सकते हैं वैसे लोकली अगर आप पर ये वो वाले कांगड़ी नहीं है ये सच में एक एक इस तरीके का बॉक्स होता है जिसमें कोयले आग कैरी कर लेते हैं सो दैट कि इनको जब ठंडा लगे तो प्रॉपरली इससे वार्म फील होता रहे है ना ये दो चीज़ें हैं जो अक्सर सिर्फ चलाई कलान पीरियड के साथ एसोसिएटेड दो चीज़ें जो शायद कल्चर से भी जुड़ी हुई है पेपर में आ सकती हैं ठीक सुपर ताइफून राय और ताइफून ऑडिट दो नाम कहा है कहाँ आया जी फिलीपींस दैट्स इट नाम याद रखना है जैसे कि साइक्लोन्स के अलग अलग नाम है अगर हमारे आता है हम उसको चक्रवात साइक्लोन ही कहते हैं अगर वही साउथ चाइना सी में आता है तो उसको हम लोग ताइफून कह देते हैं ऑस्ट्रेलिया के आसपास आता है तो उसको विली विली कहते हैं अमेरिका में आता है तो वहां पर हरी के नेडो इस तरीके के नाम यूज करे जाते हैं देन है ग्लोबल आर्म्स ट्रेड पे एक रिपोर्ट आई इस रिपोर्ट को पब्लिश किया स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट से प्री बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में सेम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट तो ये जो रिपोर्ट है बेसिकली इट्स इट इज ऑलरेडी जो है न्यूक्लियर आर्सिनल है या कॉमन जो भी वॉर आर्सिनल है उनके बारे में रिपोर्ट देते हैं और लोगों को अवगत करवाते हैं अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि दिस इज लाइक अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कभी ना कभी तो वापस शांति पे लौटना होगा तो हालांकि वो यूटोपियन बातें इस रिपोर्ट ने ये बताया कि थ्री इंडियन कंपनीज आर देयर जो कि दुनिया की टॉप हंड्रेड आम डीलर्स हैं उनमें से तीन इंडियन कंपनीज हैं जिसमें से लाइक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है जो कि आम ट्रेड या इस तरीके के वेपन ट्रेड में डील करते हैं यूएसए में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ है दुनिया भर को वो हथियार बेचने का काम करते हैं ये सिप्री ही है इसकी और भी रिपोर्ट्स आती हैं न्यूक्लियर आरसेनल पे रिपोर्ट आती है कि सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन किसके पास है है ना उनमें से ऑब्वियसली यूएसए एंड यूएसएसआर टॉप करते हैं हम भी कहीं ना कहीं स्टैंड करते हैं लेकिन आ, इतने ज्यादा नहीं ठीक अब डब्लू एच ओ के द्वारा वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट दिया गया 2021 का ए वैसे तो जितनी भी बीमारियों से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स है वो डब्ल्यू एच ओ या लेंसेंट ही देते हैं तो आप लोग इजीली गेस कर सकते हैं तो यहां से क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हाँ कंट्रीज आ सकती हैं कि रिसेंटली कुछ कंट्रीज में मलेरिया के जो केसेज है वो ज्यादा देखने को मिले वो कंट्रीज कौन सी हैं वो नाइजीरिया कॉन्गो युगांडा इन कंट्रीज में मलेरिया के केसेज ज्यादा देखने को मिले चाइना और एल सलवाड़ा और इस तरीके की कंट्रीज uh, है जिनको मलेरिया फ्री का अटैक दे दिया गया दो के रिपोर्ट में। अब चाइना सभी लोग जानते हैं कहा है? एल सलवाडोर सेंट्रल सलवाडोर की कंट्री है यानी कि मेक्सिको से नीचे और कोलंबिया से ऊपर वहां सात आठ कंट्रीज का ग्रुप है डेढ़ा सा उनमें से एक कंट्री एल सलवाडोर <coughs> एल सलवाडोर एक और काम के लिए भी फेमस है इन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर माना हुआ है जिनको लीगल टेंडर नहीं पता इकोनॉमिक क्लास में आ जाना अब नहीं पढ़ाऊंगा जिनको पता है वो याद कर लें ठीक तो इसके बाद यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी इट वाज इन न्यूज तो हम लोग हम लोगों के द्वारा ही मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने भी आ, काफी सारी बातें इसके बारे में करी कि वी, वी आर दिस लेक रिमेन कमिटेड टू तो दी प्रोमोटिंग अ फ्री ओपन एंड रूल बेस्ड ऑर्डर यानी कि शिपिंग को लेके या सी जो को लेके ये पर्टिकुलर कन्वेंशन है तो इन्होंने ये जो पर्टिकुलर कन्वेंशन है 1982 में बनाई गई थी लीगल फ्रेमवर्क है जितनी भी मरीन और मैरीटाइम एक्टिविटीज हैं या एक्सप्लोरेशन है उनके लिए एक ही ग्लोबल रूल बेस्ड लीगल प्लेटफॉर्म है जिसको लेके कंट्रीज के आपस पे के जो डिस्प्यूट्स हैं जुरिस्ट्रिक्शंस हैं उनको सेटल किया जाता है अब ये लोग किसी कंट्री के इंटरनेशनल वाटर्स या जो भी टेरिटोरियल वाटर्स हैं उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए जस्ट लाइक like, uh, जो इंटरनल या आर्कीपले की क्वार्टर्स है उसके बाद इनकी जो मेन लाइन से स्टार्ट होकर पहले 12 नॉटिकल माइल्स उसको टेरिटोरियल सी बोला जाता है उसके आगे के 24 फोर नोटिकल माइल्स को कंटिग्यूअस जोन बोलते हैं और टेरिटोरियल सी से 200 सौ नोटिकल माइल्स का एरिया इनको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के रूप में मिलता है फर्दर जो है वो हाई सीज आ जाते हैं हालांकि ये भी इंटरनेशनल वाटर्स का ही एक पार्ट रहता है बट इस एरिया में वो कंट्री क्या कर सकती है इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन हम लोग कर सकते हैं मछलियाँ पकड़नी है या कुछ कुछ अंडर वाटर माइनिंग वगैरह करनी है तो वो करी जा सकती है अप टू टू हंड्रेड नॉटिकल माइल्स इट इज़ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कंप्लीटली हमारी जो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी लेकिन हम लोग इकोनॉमिक परपजेस से उसको यूज़ कर सकते हैं ठीक है गुलशन कुमार जी ऐसी बातें रहने ही दो करने को जिसको समझ आ रहा है बहुत अच्छी बात है इसको समझ नहीं आ रहा वो अपनी लाइव क्लास में आकर डाउट पूछेंगे तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी जो है इसके द्वारा दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी सेटअप करी गई हैं पहले वाली है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी और दूसरे वाली है इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सी है ना अगर अगर किसी का कोई डिस्प्यूट होता है इसके द्वारा डिवाइड करेगी बाउंड्रीज में तो यहाँ पे जाके अपना केस रखेंगे वैसे किसी ने डीप सी माइनिंग वगैरह पे परमिशन लेना है तो ये पर्टिकुलर अथॉरिटी है जो परमिशन लेती है जस्ट लाइक like भारत में भी वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है ना मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है वो कर रहा है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग ऐसा कुछ बना रहे हैं समुद्र यान वगैरह जो कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जो कि डीप सी में पाए जाते हैं उनकी हम लोग माइनिंग करेंगे तो वो सारी जो है वो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के द्वारा दी जाती हैं बाकी किसी कंट्री का कोई डिस्प्यूट होता है तो वो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सी में चला जाता है यहां से भी बात सॉल्व नहीं होती तो वो यूएन के जो प्लेटफॉर्म्स हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वगैरह वहां पर जाके कंट्रीज के केसेस चलते रहते हैं नॉर्मली चाइना के कारण ये चीजें भी न्यूज में बनी रहती हैं तो क्वेश्चन वहां पर पूछा जा सकता है तो अकॉर्डिंगली इसको देख के प्रोसीड करिएगा अब आगे है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये एक एनजीओ है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स 2002 से लेके आज तक ये जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पब्लिश करते हैं कि इस देश की प्रेस कितनी ज्यादा फ्री है तो भारत का जो रैंक है पिछले काफी सालों से गिरता ही जा रहा है नॉर्वे जो है फर्स्ट पे स्टैंड करता है लगभग यूरोपियन कंट्रीज जो है टॉप ट्वेंटी के कहीं आसपास आ जाएंगे अच्छे वाली और इंडिया जो है 142 फोर्टी टू पे स्टैंड कर रहा है विच इज लाइक ए बींग अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड अगर प्रेस फ्री नहीं है मीडिया इज कंसिडर्ड पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी अगर मीडिया मेनिपुलेटेड है तो डेफिनेटली जो डेमोक्रेटिक आउटकम्स uh, निकलती हैं वो ठीक नहीं आती वो आप इंडियन टीवी चैनल कोई भी देख लीजिए यू कैन ईजिली गेस कि क्या हो रहा है जी सेवन न्यूज में था अब जितना टाइम ना यूक्रेन और रशिया की गड़बड़ चलती रहेगी यूक्रेन रशिया की जितना टाइम गड़बड़ चलती रहेगी किसको लेके गड़बड़ है जी इनकी क्रीमियन पेनिनसुला क्रीमियन पेनिनसुला को लेके तो तब तक आपको इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन और और भी जो सेंट्रल एशिया में पाई जाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है वो न्यूज में आती रहेगी तंग करती रहेंगी पेपर में भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं तो इसको जरा इस इशू को एज एट इज फॉलो मत करिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता यूक्रेन में क्या हो रहा है कैसे हो रहा है हमें पेपर तक मतलब है लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके साथ जुड़ी हुई आसपास की यूक्रेन को बॉर्डर करने वाली कंट्रीज कौन सी है रशिया को बॉर्डर करने वाली कंट्रीज कौन सी है ये सारी बेसिक जानकारियां आप इकट्ठी करते रहिएगा जैसे मैंने जी के बारे में जस्ट आपको पता होना चाहिए रशिया भी एक बार जी का मेंबर हुआ करता था जी सेवन पहले भी मेंबर हुआ करता था आ, रशिया जी सेवन का पार्ट था तब जी सेवन जी एट था लेकिन उसके बाद रशिया को हटाया गया और अब दोबारा ये जी सेवन ही है इसकी कंट्रीज को याद कर लेना जैसे कैनेडा फ्रांस जर्मनी इटली जापान यूके एंड यूएसए ठीक यहाँ पे वो जो प्रोमिनेंटली आपको नॉर्मली दिखती है कंट्रीज लाइक चाइना इसका मेंबर नहीं है कौन कौन सी मेन मेन कंट्रीज है जो इसकी मेम्बर नहीं है वो देख लेना ये सेवेंटीज के दशक की बहुत अमीर देशों का एक ग्रुप है जो सत्तर के दशक में काफी ज्यादा आगे बढ़ रहे थे और इन्होंने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे आने वाले दिनों में काम किया जिनमें से मनी लॉन्ड्रिंग एक है टेरर फाइनेंसिंग एक है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी बनाया जिसको एफ कहते हैं जो ब्लैक लिस्ट वगैरह कर देता है कंट्रीज को अगर वो टेरर फाइनेंसिंग करती हैं जैसा पाकिस्तान को कर रहे थे ये लोग ठीक तो दीज दीज वर द इंपॉर्टेंट मिसलेनियस टॉपिक्स हमारे जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे थे लेकिन न्यूज में चल रहे थे और जरूरी थे वो हमने डिस्कस एट लास्ट हम लोग बात करेंगे स्कीम्स स्कीम्स की जो नई हमने लॉन्च करी हैं उनकी हम लोग बात करेंगे ठीक दिसंबर के महीने में कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स नहीं आई हैं बट तीन चार चीजें वो पढ़ के हम लोग जल्दी फिनिश कर सकते हैं क्लास को तो उज्ज्वला 2.0 स्कीम लॉन्च करी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में जैसा सा पिछली वाली अः उसका काम था कि हम लोग ना पुअर हाउस होल्ड को एलपीजी कनेक्शन दे रहे हैं अब इसमें जो टू पॉइंट ओ का जो स्पेशल फोकस रहेगा वो फोकस रहेगा माइग्रेंट्स का माइग्रेंट्स माइग्रेंट जो पॉपुलेशन है उनको ये सस्ते रेटों पे जस्ट लाइक 1600 सो में कनेक्शन दे दिया और उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट जो बाकी बर्नर वगैरह है या रिफर्स्ट रिफिल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देना है इस तरीके के काम इसमें करे जाएंगे एक ही फोकस चेंज है कि माइग्रेंट्स पे फोकस इस बार वाल हम करेंगे दूसरा है मिशन इंद्रधनुष 3.0 जैसा आप लोग जानते हो मिशन इंद्रधनुष जो है नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के साथ जुड़ा हुआ है वैक्सीनेशन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए जो हमारे बच्चे हैं या प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको सर्टेन सेट ऑफ डिजीजेस से बचाने के लिए वैक्सीनेशन का प्रावधान है उसके लिए कैंपेन चलाई जाती है एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी मिशन इंद्रधनुष है वो डिफरेंट है उसको कंफ्यूज मत कर लेना इसके साथ अगर क्वेश्चन आता है तो वाकई वो एग्जामिनर इतना सेंसिबल होगा कि हमें क्लैरिफाई करेगा वो किसकी बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का किससे रिलेटेड था वो बैंक बैंक रीफाइनेंसिंग से रिलेटेड था बैंक रीफाइनेंसिंग बैंक जो बैंकों को कैपिटलाइजेशन रिकलाइजेशन बेसिकली रीफाइनेंसिंग नहीं कैपिटलाइजेशन बैंक री से बैंकों को पैसा वैसा जो दिया जा रहा था लोन इन्होंने जो भी लोन राइट ऑफ करे थे उनके अगेंस्ट तो वो डिफरेंट है ये डिफरेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का है और ये 3.0 पॉइंट चलाने का मेन मकसद ये है कि ऐसे बच्चे और औरतें जो कोविड 19 के चलते अपने रेगुलर वैक्सीनेशन को ले नहीं पाए मिस हो गए उनको रीच आउट करना है उन उनके लिए जो नया सीरीज ऑफ वैक्सीनेशन है वो स्टार्ट करना है जिनका रोटीन इम्यूनाइजेशन मिस हुआ बिकॉज लगभग सारी हेल्थ हेल्थ वर्कर हमारे और सारी जो पब्लिक इन्वॉल्व इन दी कोविड नाइनटीन को कोविड नाइनटीन से डरता बाहर नहीं जा रहा था और जो हमारे डोर टू डोर वैक्सीनेशन प्रोग्राम वैक्सीनेशन ड्राइव्स थी वो भी हर्ट हुई थी कोविड 19 के चलते तो दे आर मेकिंग अप टू इट ठीक अपार्ट फ्रॉम दैट उडान Oh, उड़े देश का आम नागरिक तो आम नागरिक को उड़ाना है हमें तो जस्ट लाइक अ कनेक्टिविटी एरियल कनेक्टिविटी इनहांस करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का ये अच्छा एक एक पहल थी नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी को हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं अब जहां पे फोर पॉइंट ओ की बात आती है रीजनल कनेक्टिविटी की स्कीम है हर जगह पे टी ए टू टी सिटीज में एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं ऐसा नहीं कि बहुत हाई क्लास एयरपोर्ट है अच्छे नो फ्रिल्स एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं और वहां पे छोटे एयरलाइनर्स 25-25 सीटर एयरक्राफ्ट्स को स्टार्ट करने के लिए सरकार थोड़ा बहुत इंसेंटिवाइज कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रही है सो so दैट की जो लोकल एयर कैरियर्स है वो डेवलप हो कनेक्टिविटी बढ़े आने वाले टाइम में जिस तरीके से हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फोर्सी कर रहे हैं उसके लिए कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है कनेक्टिविटी बनाने के लिए जो चौथा राउंड है स्पेसिफिकली चौथा राउंड दिसंबर जो 19 में स्पेशल फोकस के साथ शुरू करा गया था कैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हिली स्टेट्स आइलैंड्स हिमाचल प्रदेश भी हिली स्टेट्स में से एक है तो आप मुझे बताएंगे कि उड़ान फोर के अंतर्गत कहां पे फ्लाइट स्टार्ट हो रही है इट शिमला इट धर्मशाला कहा उसके बाद केरला सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट ये भी एक काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जहां पे वो जस्ट लाइक देश में वो गोल्डन क्वाटिलेटरल का प्रोजेक्ट है ना चारों कोनों को कनेक्ट किया जा रहा है तो यहां जो है वो केरला विद इन केरला वो नॉर्थ पॉइंट सदरन पॉइंट और इनकी कैपिटल सिटी को कनेक्ट कर रहे हैं सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर से ठीक ये वहां पे हुआ है दीज वर दी इम्पॉर्टेंट स्कीम्स जो कि पिछली सॉरी एक स्लाइड मुझसे मिस हुआ तो उसको भी पढ़ी लेते हैं उसके बाद है जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मैं सही बोलूंगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ बच नहीं सकता गालियों से तो ये 2015 में लॉन्च करी गई थी न्यूज में चल रही थी इस बार न्यूज में क्यों है वो आ, आप लोग जानते हो वैसे जो भी सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन होते हैं डिक्लाइनिंग चाइल्ड जेंडर रेशियो है उसको इंप्रूव करने के लिए 2015 में एक हमने कैंपेन चलाया था ये प्राइम मिनिस्टर एफर्ट है ये आपको पता होना चाहिए जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये तीन मिनिस्ट्रीज के द्वारा मिलकर इस स्कीम को कॉर्डिनेट किया जाता है अगर क्वेश्चन आया तो आपको यहीं पर फंसाएंगे वो ऑनली शब्द यूज कर लेते हैं कि दिस दिस पर्टिकुलर स्कीम इज बींग कॉर्डिनेटेड बाई ऑनली दिस मिनिस्ट्री जो कि एक गलत धारण है

नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इन लोगों ने एक पोर्टल चलाई है बाल स्वराज देखिए ऐसे बच्चे जिनके दोनों पेरेंट्स कोविड नाइनटीन की वजह से मर गए मृत्यु हो गई अनाथ हो चुके हैं जो बच्चे अब दे आर लाइक वलनरेबल टू गेट इन टू दी बैड हैंड दे आर वनरेबल टू टू फॉर दी ट्रैफिकिंग और इस तरीके की चीजें तो उसके लिए इनकी रियल टाइम ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग करी जाएगी सो दैट कि इनको ऐसे पर्टिकुलर जो भी चाइल्ड राइट वायोलेशन है उनसे बचाया जा सके ठीक सो so ये ये पोर्टल है पर्टिकुलर आ, ये मैं पर्टिकुलर शब्द ज्यादा ही बोल रहा हूं कुछ इग्नोर करिएगा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने इसको स्टार्ट किया सो दीज वर द स्कीम्स जो आपको पता होनी चाहिए थी तो विद दिस आ, मैंने सारा दिसंबर की जो आस्पेक्ट थे वो बता दिए ये जो डॉक्यूमेंट जिसमें मैं रोज पढ़ाता हूँ ये टोटली अपडेटेड डॉक्यूमेंट में दिसंबर का एक ही डॉक्यूमेंट सारे बाकी वाले डिलीट कर दूंगा एक ही अपडेटेड डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड करता हूँ जिसको आप प्रिंट लेके एक ही साथ रिवाइज कर सकते हैं इस पर एक्स्ट्रा नोट्स बनाने हैं तो मेरे साथ में वीडियोज देख के आप बना सकते हैं जो मैंने यूट्यूब पर डाली हैं राइट अब इसमें अंत में जो रट्टा मार चीज़ें हैं जो रट्टा मारो जिंदाबाद वाली चीज़ें वो भी मैंने डाल दी जैसे अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन है पिछले महीने के क्या हुए इंपॉर्टेंट जो डेज हैं अब डेज जो हैं एक महीने दिसंबर के महीने में सत्ताईस दिन हैं जिनके नाम पे कोई ना कोई डे है सारे मत याद करना पहले वाले बोल्ड किए हैं जैसे लाइक वर्ल्ड एड्स डे बारह एक दिसंबर को होता है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे दो को होता है वो इंटरनेशनल डे फॉर अबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी दो को होता है वर्ल्ड हैंडीकेप्ट डे होता है इस तरीके से ना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं खुद इनमें से पांच सात डेज उठा के आप याद कर लीजिएगा बाकी सारे को याद करने की जरूरत नहीं है मैंने जानबूझ के सारे डाल दिए हैं लेकिन याद नहीं सारे करने जो जो ज्यादा रिनॉन्ड है उनको याद करिएगा जैसे आपको ईजी रहेगा और बिचोरीज है जिनकी डेथ्स हुई उनके बारे में बेसिक बेसिक्स इंफॉर्मेशन अवार्ड एंड रिकोगशन जो भी पिछले इनमें अवार्ड्स दिए जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स हैं जो किताबें न्यूज में रही एंड दिस इज इट है ना ये सारी सारी बेसिक जानकारी हैं जो मैंने वहां पे आपको प्रोवाइड करवाई हैं तो अकॉर्डिंगली आप लोग प्रोसीड कर सकते हो जस्ट ठीक है तो अब आपके जो डाउट्स हैं वो ले लेते हैं ये गुलशन कुमार ने ना बड़े सारे सवाल पूछे जिनका कुछ सवालों का लेना देना भी नहीं था केसर राजपूत ये क्लास ऑल्टरनेटिव डेज पे होती है और गुलशन कुमार जी आपको जो समझ में नहीं आ रहा उस लेक्चर में आइए लाइफ में जो भी आपके डाउट्स है आपको सॉल्व किए जाएंगे और अगर आपको इस सीरीज की जो बेसिक जानकारी है एक बार यूट्यूब पे प्लेलिस्ट खोलना उसमें हर एक सब्जेक्ट का एक्शन प्लान है तो मैंने भी करंट अफेयर का एक्शन प्लान दिया था उस एक्शन प्लान को एक बार देख लेना तो आपको जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे लाइफ में आप बहुत अच्छी चीज़ें पूछेंगे तो आई गेस आपका भी भला होगा मेरा भी जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है वो मुझसे पूछ रहे हो तो आपका भी टाइम खराब है मेरा भी टाइम खराब है जो आकर्षित आप बोल रहे हो करंट अफेयर्स का डेली क्लास में ले लूंगा अगर पेपर जल्दी आता है तो डेली भी ले लूंगा अब मुझे लगता है कि डेज पे आपको जो सिलेबस है जितना मुझे जरूरी लगता है मैं कवर करवा दूंगा अमित जी नो बडी ऑन सीज नो बडी ऑन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ लॉ ऑफ सी जो है वो कहता है नो बडी ऑन सीज जस्ट एक देश जो 200 हंड्रेड नॉटिकल माइल्स तक वहां से एक्सप्लोरेशन करता है दिस इज लाइक एन शेयर्ड शेयर्ड एसेट फॉर एवरी वन जी नितिन कुमार जी इनके पीडीएफ एप्लीकेशन में है कल से मैं लिख के लाऊंगा यहाँ नीचे पीडीएफ आर अवेलेबल इन एप्स पी आर अवेलेबल इन एप्स वहां पे सारथी कोर्स बना हुआ है उसमें है पीडीएफ अवेलेबल ऐप से जाके डाउनलोड करिए कंट्रोल पी की कमांड आती है वो दीजिए कंप्यूटर बेसिक बेसिक कंट्रोल पी होता है प्रिंट के लिए प्रिंटर होना बहुत जरूरी है प्रिंटर में पेज होने बहुत जरूरी है संजीव कुमार जी करंट अफेयर सात आठ महीने के याद कर लो आकर्षित भाई पहले ही अपलोड करता हूं मैं ये जो पढ़ाया हुआ है पहले ही अपलोडेड है उधर देखते नहीं हो आप लोग मुझे पूछना बहुत पसंद करते हो देखो तो डाउनलोड करके पढ़ा है उधर एक दिन पहले ही अपलोड करता हूं मैं बस बहुत हो गया <coughs> फालतू सवाल पूछ रहे हो आप लोग किसी का कोई डाउट नहीं है काम का आप कर रहे हो टाइम पास पहले पढ़ो डाउट्स लेके आना एक दिन डाउट सेशन भी रख लूंगा कोई आइडिया नहीं एग्जाम कब होगा पढ़ते रहो चुपोगे ऐसी बातों से कभी कुछ निकला एग्जाम कब होगा मैं बोल दूंगा अप्रैल आप, में होगा तो क्या कर लोगे तुम लोग फोकस ऑन स्टडीज फोकस ये वो मटेरियल ही नहीं है जिनको इस इस बात की स्पेकुलेशन है कि पेपर कब होगा उसके अकॉर्डिंगली मैं तैयारी करूंगा नहीं तो मैं तैयारी नहीं करूंगा मैं बोल दूं छह महीने पेपर नहीं होगा तो आप एक महीने छुट्टी पे चले जाओगे आप नहीं हो वो वाला मटेरियल फिर भूल जाओ सब कुछ और दिन के जो चार पांच छह घंटे हैं उनको लगाओ सिलेबस कवर करने में ठीक है जी फाइनली मैं स्ट्रीम एंड कर रहा हूँ कुछ डाउट्स होंगे चैट में पूछ लीजिएगा मोबाइल ऐप की चैट में या अगली क्लास में आऊंगा सच्ची में कोई डाउट्स होंगे तो ले लूंगा इन बातों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास जो आप पूछ रहे हो